मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जियो फोन को रिचार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिचार्ज करने की जरूरत क्यों क्यों क्योंकि आपने जब फोन लिया होगा तो उसके साथ एक 1 मंथ के लिए इनिशियल रिचार्ज आपने कराया होगा। एंड देन अब मेरा 1 मंथ से ऊपर हो चुका है। अगर आप देखेंगे, मैं अगर कॉल करता हूँ, पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो आपको ऐसा कुछ सुनने को मिल सकता है कि आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो आपको अपने जियो फोन को के सिम को रिचार्ज कराना होगा। उसके लिए आइए सबसे इजी सेटअप देखते हैं कि आप क्या यूज कर सकते हैं। आपको सबसे पहले माई जियो ऐप में जाना होगा, जैसा कि ये लास्ट में आप देख रहे हैं, इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद माई जियो ऐप जो है कुछ इस तरह से खुलेगी, एंड पहला जो ऑप्शन है माई जियो का, उसे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा लोड होगा, वेट करेंगे आप थोड़ी देर। जब ये सक्सेसफुली लोड हो जाएगा तो आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है बैलेंस जीरो, और आपको रिचार्ज का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो रिचार्ज के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट पैक्स दिखेंगे कि आप कौन कौन सा रिचार्ज कराना चाहते हैं। तो अगर आपको 153 का कराना है तो इजिली आप 153 का प्लान चूज कर लीजिए, या कोई डिफरेंट छोटा रिचार्ज कराना चाहते हैं तो उन्हें चुन लीजिए, या आप प्राइम बंडल्स को देखना चाहते हैं, यहाँ डिफरेंट प्राइम बंडल्स हैं। इसमें आपको 99 का भी आप जो है प्राइम मेंबरशिप मिल जाएगा, एंड प्लस जो रिचार्ज होगा। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट प्लान्स भी हैं, टॉप अप है, इंटरनेशनल प्लान है। तो आपको आइए, मैं 153 का रिचार्ज नहीं कराता हूं, मैं एक प्राइम बंडल यूज करता हूं, जैसे ये 498 वाला है। तो आपको भी ऐसे ही अगर प्राइम मेंबरशिप लेना है तो वो 498 ले लेंगे, अदरवाइज आप 153 ले सकते हैं मंथली रिचार्ज। और आपको इसमें पता है कि आपको 500 MB डेटा मिलता है, और इनकी बहुत ही चीजें जो है सर्विसेज जो इसमें कम मिलती है, तो आप प्राइम बंडल्स ले, इससे आपको फायदा होगा। 498 का अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो आपको 70 डेज की जो वैलिडिटी मिलेगी। अगर आपको 84 डेज का लेना है तो आप 558 का रिचार्ज करा सकते हैं। तो 498 ही कराता हूं मैं आपके सामने, अब कराने जा रहा हूं कैसे रिचार्ज करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एंड देन फिर आप रिचार्ज बटन पे क्लिक करेंगे, आपको डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे रिचार्ज कराने के। आप कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं, क्विक पे, जियो मनी, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो इसके लिए आपको अपने डेबिट कार्ड का 16 डिजिट का नंबर लिखना होगा, एक्सपिरेशन डेट लिखना होगा कि कब वो आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा है, एंड आपको उसके पीछे जो CVV नंबर होता है 3 डिजिट का, वो लिखना होगा। जब आप दे देंगे, सारा एंटर कर देंगे, उसके बाद आपको एक OTP आएगा, वो OTP एंटर करेंगे तो आप अपना आराम से रिचार्ज करा सकते हैं। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए दोनों के लिए ऑप्शन है, और डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इसमें आप डेबिट कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन डालें, 16 डिजिट का नंबर डालें, एंड उसके बाद एक्सपिरेशन डेट डालें, कब आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा है, CVV नंबर डालें और अपना एटीएम पिन डालें, ये ऑप्शन है। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आपको पता ही होगा कैसे यूज करना है, इंटरनेट बैंकिंग का नंबर डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है। चलिए मैं इसे पेटीएम से करता हूं, जो आजकल बहुत ही ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं अगर पेटीएम ऑप्शन चूज करूंगा तो पेटीएम का पेमेंट जो बैंक है, वो पेटीएम का सिस्टम जो है वो ओपन हो जाएगा, और आपको यहां दिख सकता है मेक पेमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको मेक पेमेंट की ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो भी रिक्वेस्ट है पेटीएम के सर्विस पे जाएगी, एंड आपको एक रिक्वेस्ट खुल के आ जाएगा, एंड देन आपको यहाँ पे बोलेगा कि आपको यहाँ पे पेटीएम का अपना नंबर डालना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पेटीएम का नंबर अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो जो भी आपका पेटीएम का नंबर होगा वो आप इस तरह से एंटर कर देंगे, एंड देन उसके बाद रिक्वेस्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। डन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका कर्सर आपको फ्री हो जाएगा, देन आपको रिक्वेस्ट OTP के क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है OTP आपके मोबाइल पे आ जाएगा, जैसा कि अभी मेरे मोबाइल पर आने वाला है OTP, मैं वेट कर रहा हूं, जैसे ही OTP आएगा वो मैं OTP यहाँ पे एंटर करूंगा। तो इस तरह आपके पास एक OTP आ जाएगा, OTP आ जाने के बाद फिर से आप डन करेंगे, एंड देन उसके बाद कर्सर पे आके देन लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो इसमें आपको एक ऑप्शन आ गया, देख रहे हैं एक टेक्स्ट लिख के आया हुआ है, ऑलसम यू हैव सफिशियंट बैलेंस फॉर दिस ऑर्डर, एंड देन आपको ये दिखा देगा कि क्या क्या है आपके पेटीएम वॉलेट में, क्या बैलेंस है और क्या बचेगा, एंड देन आपको थोड़ा सा नीचे और आके पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे ट्रांजेक्शन प्रोसीड हो जाएगा, एंड आफ्टर कंप्लीट हो जाने के बाद प्रोसीजर आपको अपना जो भी है लिख के आ जाएगा।
पेटीएम पेमेंट सक्सेसफुल, और आपको देखा, जैसा कि आप देख रहे हैं टॉप पे एक मैसेज रिसीव हो गया है कि 499.98 का जो है रिचार्ज आपका सक्सेसफुल हो गया है। आप देख सकते हैं बिल भी जनरेट हो गया है। एंड अब व्यू मैसेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो मैसेज दिख जाएगा, ठीक है, कि आपका आपने जो है रिचार्ज करा लिया है 498 का सक्सेसफुली इस नंबर के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अब जान गए होंगे कि आप कैसे अपने फोन को रिचार्ज करा सकते हैं। चलिए मैं अब कॉल करता हूँ किसी नंबर पे। अगर नो करते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 399 का रिचार्ज हो चुका है एंड मोबाइल डेटा 1 GB है और रिन्यू करने का आवर जो है 19 आवर है। तो आप देख सकते हैं कि अब आपका फोन जो भी सिम है वो सक्सेसफुली रिचार्ज हो चुका है। एंड अब चलिए हम कॉल करते हैं किसी भी एक नंबर पर, ठीक है। चलिए जैसे कि इस नंबर पे कॉल लगाते हैं, स्पीकर पे करता हूँ। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि अब सक्सेसफुली कॉल लग जा रही है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसे यूज करके किसी भी जियो सिम को या जियो फोन के थ्रू आप रिचार्ज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।